तो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना, मैं सुबह स्टार्ट कर रही हूँ। तो मम्मी जो है ना, यहाँ पे अभी कान्हा जी को नहला रही हैं। तो देखिए, अब मम्मी ने जो है ना, हाथ में थोड़ा सा चंदन ले लिया है, उसमें पानी को मिक्स करेंगे और उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को चंदन का लेप लगाएंगे। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि मम्मी अभी यहाँ पर कान्हा जी को चंदन का लेप लगा रही हैं। तो अब चंदन का लेप लगाने के बाद अब हम कान्हा जी को अच्छे से पानी से नहला देंगे। कि अब हमने उनको नहला दिया है और अब एक कपड़े की सहायता से उनको साफ कर लेंगे और उनको वस्त्र पहना देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की तो ना मेरी दिन की शुरुआत ही एकदम बढ़िया से हो गया है, क्योंकि कान्हा जी के दर्शन हो गए हैं सुबह सुबह ही। तो देखिए, अभी हमारे लड्डू गोपाल जी एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और अभी जो है ना, मम्मी यहाँ पे मंदिर के सारे दिए धो रही हैं। तो आप जैसे कि देख ही रहोगे कि मेरी मम्मी के पास ना काफ़ी सारे दिए हैं, क्योंकि अभी देखो वहाँ पे भी धो रही हैं और यहाँ पे भी अभी बहुत सारे हैं। क्योंकि मम्मी को ना दियों का कलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो दिए होते हैं ना, मम्मी कलेक्ट करती रहती हैं। और गणेश जी की मूर्ति का भी मम्मी ने आज साफ़ कर दिया है। तो दिए वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं और अब माला वगैरह पहनाएंगे मूर्ति को और पूजा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये वैष्णो देवी का सिक्का है। तो हम ना 2010 को गए थे वैष्णो देवी, तो तब से अब तक हमने संभाल के रखा है। तो हम प्लेट में रखते हैं पूजा की इसको भी। और अभी हमने पूजा की थाली अपनी पूरी अच्छे तरीके से सजा दी है और एक्स्ट्रा दियों का भी हम एक ड्रॉअर में रख देते हैं, ताकि क्योंकि जब कोई फेस्टिवल होता है तभी हम उन दियों को यूज़ करते हैं और वैसे हम नॉर्मल दिए जलाते हैं। और मम्मी ने भी अपनी पूजा कर ली है। तो आज ना फ्रेंड्स, हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ बन रही है, जो कि कढ़ी है। और मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है कढ़ी। तो सबसे पहले मम्मी का कढ़ी ना, बेसन को एक कंटेनर में डाल रही हैं और उसके बाद जितना हमें बेसन चाहिए होगा उतना बेसन हम ले लेंगे कढ़ी बनाने के लिए। अब हम एक बोल ले लेंगे और उसमें बेसन डाल देंगे अपने क्वांटिटी के हिसाब से, जितना हमें बेसन डालना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मम्मी ने जो है ना, 2-3 चम्मच डाली है पूरा भर के बेसन, 4 चम्मच डाली है बल्कि। और अब हम साथ ही साथ में यहाँ पे मसाले भी ऐड करते जाएंगे। और मसालों के डालने के बाद हम इसको मिक्सचर को जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब जो है, हम धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो अभी तो हमारा मिक्सचर बन चुका है और मिक्सचर बनाने के बाद हम डालेंगे यहाँ पे 1 पैकेट दही डाल देंगे। अब डालेंगे इसमें कुछ स्पाइसेस, जैसे कि नमक हो गया, हल्दी हो गई, लाल मिर्च हो गया, और इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वही मिक्सचर है जो अभी हमने बनाया था बेसन से पानी वगैरह ऐड और स्पाइसेस वगैरह ऐड करके। तो ये वही मिक्सचर है और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना स्मूथ टेक्सचर आया है इसका। अब हम गैस में कढ़ाई चढ़ा देंगे और गैस को ऑन कर देंगे। और अब जो है, यहाँ पे हम जो कढ़ाई है उसको साफ़ कर लेंगे और उसमें डाल देंगे हम, आप ये मस्टर्ड ऑयल है तो हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं। तो देखो, अभी आपको अपने हिसाब से मस्टर्ड ऑयल डालना है, आपको कितना डीप फ्राई करना है, कितना कैसा फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयली रखना है, कम ऑयली रखना है, तो आप अपने हिसाब से करना। तो मम्मी ने अभी इतना ही लिया है। और अब जो है, हम इसमें पकौड़ियों को तलना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ देखो, अभी तो है ना, ये गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो चुके हैं और जब ये अच्छी तरीके से पक जाएंगी तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए, अब हमारी पकौड़ी बन चुकी है और अब हम जो है इसको एक प्लेट में सेपरेटली निकाल लेंगे। तो देखिए, अभी हमारी सारी की सारी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं और अभी एक जो पकौड़ी है हम वो गैस के लिए रखते हैं और बाकी के बच्चे बेसन से हम पकौड़ियाँ बना देंगे। तो यहाँ जो है, अभी हमने सिद्धि को बुलाया था कान्हा जी को भोग चढ़ाने के लिए पकौड़ियों का, तो सिद्धि ने वो चढ़ा दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे कान्हा जी कितने ज़्यादा चमक रहे हैं। तो अभी कढ़ाई में जो है तेल को गर्म होने के लिए रखा हुआ है और जैसे ही तेल गर्म हो चुका है तो उसमें मम्मी ने जीरा वगैरह डाल दिया है। और जीरा डालने के बाद अभी जो हमने दही का बनाया था ना मिक्सचर, तो वो मिक्सचर भी हमने इसमें डाल दिया है और अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
और जैसे हम इसको मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे पकौड़ियाँ। तो देखो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना पकौड़ियाँ, और खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो अभी इन पकौड़ियों को भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे अभी हम पकौड़ियाँ भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ देख ही सकते हो आप पकौड़ी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। तो अभी देखो हमारा मिक्सचर तो अच्छी तरीके से बन चुका है। तो यहाँ देखो अभी जो कढ़ी है वो पकने के लिए मम्मी ने रख दी है, और जब तक वो पक रही है तब तक मम्मी ने जो है दूसरा काम ले लिया अपना किचन का। तो अभी मम्मी यहाँ पे बर्तन करना स्टार्ट कर दिया मम्मी ने। मतलब मम्मी तो है ना, मतलब एक काम ख़त्म होता नहीं है कि दूसरा काम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो ही जाता है। कुछ भी कर लो, मम्मी को छोटा मोटा काम या बड़े से बड़ा काम भी दिख ही जाता है, क्या ही बताऊँ आपको। तो सभी की मम्मी ऐसी करती होंगी, अगर आप करती हैं तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो। तो अभी जो है मम्मी ने एक तरफ कढ़ी उबालने के लिए रख दी है, और दूसरी तरफ अभी जो है मम्मी यहाँ पे चावल को साफ़ कर देंगी, क्योंकि आज बन रहे कढ़ी चावल, तो उसके लिए अभी चावल साफ़ करनी है। तो यहाँ पे देखो अभी मम्मी ने क्या क्या कर दिया है, कढ़ी चढ़ा दी है, अभी पकौड़े डालेंगी, बर्तन धो दिया है, और किचन वगैरह स्लैब वगैरह सिंक वगैरह सब साफ़ कर दिया है। तो अभी देखो किचन का काम हुआ नहीं कि सिद्धि के साथ लग गई मम्मी। तो मम्मी को जो है ना हमारी हेयर स्टाइल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी सिद्धि के अभी दो छुट्टियाँ ही बना रही हैं। तो यहाँ पे जो है अभी हमारी कढ़ी जो है पकने वाली है, और फिर हम डालेंगे इसमें पकौड़ी। तो अभी जो है ना मम्मी ने यहाँ पे पकौड़ी डाल दिए कढ़ी में, और अभी गैस बंद करके इसकी लिड लगा के इसे 10-15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे कि जो पकौड़ी है ना वो कढ़ी को एब्जॉर्व कर ले और सॉफ्ट हो जाए, और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगे। तो अभी इसको ऐसे ही लिड लगा के छोड़ देंगे। तो देखो अभी हमारे चावल वगैरह कढ़ी वगैरह सब बन चुके हैं, और हमारा लंच तैयार है कढ़ी चावल। तो खा के तो आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, सभी के लिए लग गया, मम्मी डैडी सिद्धि के लिए भी लग गया है, और वहाँ तो आप देख ही सकते हो उसके हाथ में रिमोट आ गया है। तो अभी खाना वगैरह हो चुका है, तो उसको अभी मैं पढ़ाने बैठ जाऊँगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।